नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। सुरो इंडिया में आपको दिखाएंगे मोदी ने कांग्रेस को क्या नाम दिया है, किस मुस्लिम नेता ने कहा जिन्ना की तस्वीर जलाओ इनाम पाओ, और उत्तर भारत में क्या फिर से आ सकता है बड़ा तूफान। लेकिन सबसे पहले खबर श्रीनगर में पत्थरबाजों के तांडव की। सुरक्षा बलों ने आज वहां 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। एनकाउंटर के दौरान बौखलाए पत्थरबाजों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। ये पत्थरबाजों का तांडव है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। उस दौरान सड़क पर उतरे पत्थरबाजों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों को जमकर निशाना बनाया। श्रीनगर के चट्टाबल में सुरक्षा बल की कई बुलेट प्रूफ जीप और बुलेट प्रूफ बंकर ऑपरेशन में मदद के लिए मौजूद थे, लेकिन एनकाउंटर के दौरान दर्जनों पत्थरबाज इकट्ठा हो गए और इन गाड़ियों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। छत की खिड़की से बनाए गए वीडियो में ये दिख रहा है कि सुरक्षा बल संयम दिखा रहे हैं। ताबड़तोड़ पत्थरबाजी के बावजूद सुरक्षा बल की गाड़ियां पीछे हट रही हैं। ये देखकर पत्थरबाजों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो न केवल इन गाड़ियों के करीब आते हैं, बल्कि एक पत्थरबाज एक जीप पर सवार भी हो जाता है। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान इन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दाग रहे हैं। लेकिन इन पर कोई असर नहीं हो रहा। पत्थरबाज इन गाड़ियों को तोड़ने फोड़ने की कोशिश करते हैं। दर्जनों पत्थरबाज एक सफेद जीप को इस तरह से घेर लेते हैं जैसे वो उसे तहस नहस कर देंगे और उसमें सवार सुरक्षा कर्मियों की जान ले लेंगे। इसके बावजूद सुरक्षा बल की गाड़ियां एक एक कर इन इलाकों से निकलने की कोशिश करती हैं। इस दौरान इन गाड़ियों के ड्राइवर इसका ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई पत्थरबाज गाड़ियों से कुचला ना जाए, लेकिन पत्थरबाज इसकी परवाह किए बिना इन गाड़ियों का पीछा करते हैं। कुछ देर बाद पत्थरबाज उन गाड़ियों को निशाना बनाते हैं जो अब इस इलाके में मौजूद हैं। एक बार फिर पत्थरबाजों का झुंड उन गाड़ियों पर टूट पड़ता है जो ऑपरेशन में शामिल जवानों की मदद के लिए चट्टाबल में मौजूद है। आपको बता दें कि आज सुबह सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि रामपुरा चट्टाबल में कुछ आतंकी छिपे हैं। इस जानकारी के बाद सुबह 5 बजे से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ हुई। इंडिया न्यूज आपको उस एनकाउंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ का एक असिस्टेंट कमांडेंट और 2 जवान घायल हो गए। अभी तक इनका आइडेंटिटी अभी तक हमें पता नहीं है, पर 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और कोई कोलेटरल डैमेज जैसे बिल्डिंग या नियर बाय बिल्डिंग कहीं पे कोई डैमेज नहीं है। सीआरपीएफ के 3 ऑफिसर्स जो हैं, 1 ऑफिसर और 2 जवान माइनर इंजुरीज पे हैं, दे आर ऑल स्टेबल। अजय जांडियाल, श्रीनगर, इंडिया न्यूज।